धोखा किसी के साथ भी मत कीजिए, क्योंकि यह एक पाप के समान है। आप किसी पर यकीन नहीं करते, आप किसी को नज़रअंदाज करते हैं, या फिर आप बहुत शक करते हैं, तो आप एक रिश्ते को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। पर यदि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, या फिर कोई आपको धोखा दे रहा है, तो इसका अर्थ है आपके बीच का रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका है। उस व्यक्ति को कभी गलती से भी धोखा मत दीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा चाहता है। गैरों के धोखा देने पर इतना दुख नहीं होता जितना दुख अपनों के धोखा देने पर होता है। उस टूटे दिल का दोबारा जुड़ना मुश्किल हो जाता है जो किसी धोखे के कारण टूट जाता है। ज़्यादातर धोखा अक्सर वही लोग देते हैं जो दिल के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। कुछ चीज़ें व्यक्ति को समझाने से समझ नहीं आती, बल्कि धोखा खाने से बेहतर समझ आ जाती है। धोखा देकर जितनी ठेस आप दूसरों को पहुंचाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा ठेस आपको वक्त आने पर पहुंचेगी। वह व्यक्ति धोखा देने से कभी नहीं कतराता जिसके जज्बातों का खात्मा हो चुका है। धोखे की जड़ केवल आंख बंद कर किसी पर पूर्ण रूप से विश्वास करना होता है। वह दोस्त भी धोखा देकर चले जाते हैं जब उनके मतलब पूरे हो जाते हैं। धोखा देकर कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता, बस केवल आपके पापों का एक भार और उसके ऊपर चढ़ जाता है। धोखा केवल वही व्यक्ति देता है जिसका शुरू से ही कुछ ना कुछ मकसद छुपा होता है। जो व्यक्ति किसी को धोखा देने में आसानी से कामयाब हो जाता है, वह फिर तुरंत किसी दूसरे को धोखा देने की साजिश बना रहा होता है। आजकल दोस्त जरा सोच समझ कर बनाइएगा, क्योंकि धोखा देने वाले लोगों की संख्या दोस्तों में ज़्यादा पाई जाती है। सही इंसान चुनने की अक्ल व्यक्ति को केवल धोखा खाकर ही आती है। काम चोरी करके आप दूसरों को नहीं, केवल अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी धोखा मिल जाए उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देर से धोखा मिलने पर इंसान के पास संभालने का मौका ना के बराबर हो जाता है। धोखा देने वाले व्यक्ति की गलती उतनी नहीं होती जितनी गलती उस पर आँख मूंद कर विश्वास करने पे होती है। आज के ज़माने में लोग दूसरों की मदद करना कम और उन्हें धोखा देना ज़्यादा पसंद करते हैं। पैसों का लालच व्यक्ति को धोखा देने पर मजबूर कर देता है। अपनी पिछली गलतियों को दोबारा ना दोहराएं, वरना आप फिर से धोखे का शिकार हो जाएंगे। खुदगर्ज व्यक्ति के पास धोखा देने की कला अवश्य होती है। अगर धोखा खाने से बचना चाहते हो तो इंसान की परख करके उस पर विश्वास किया करो। जिस व्यक्ति पर आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, अक्सर वही व्यक्ति आपको धोखा देने के लिए तैयार रहता है। वो तुझे आज किसी और की खातिर धोखा देकर चली जाएगी। फिक्र मत कर, तेरी कामयाबी के बाद सबसे पहले वही तुझसे माफ़ी मांगने आएगी। जिन लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं होता, वह अक्सर दूसरों को धोखा देकर चले जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास इंसान को परखने का हुनर होता है, वह हमेशा धोखा खाने से बचता रहता है। माफ़ी हमेशा गलती की मांगी जाती है, धोखेबाजी की तो सजा दी जाती है। लोग दूसरों की सहायता करने से पहले उसकी जाति एवं धर्म जरूर पूछते हैं, पर धोखा देते वक्त लोग इन दोनों में से किसी भी चीज़ को नहीं देखते हैं। आजकल धोखा देना तो लोगों के लिए आम बात हो गई है, शायद इसी से उनको हर खुशियाँ मिलने लग गई। धोखा खाकर इंसान को जो सीख मिलती है, वह उसे मरते दम तक याद रखती है।
आजकल सबसे ज्यादा भरोसे वाला व्यक्ति ही सबसे बड़ा धोखेबाज निकलता है। धोखा मिला है तो उदास क्यों बैठे हो? शुक्र मनाओ कि वक्त के रहते खुदा ने तुम्हें संभालने का मौका दिया है। जो व्यक्ति किसी को धोखा देकर बहुत खुश हो रहा होता है, उसे रोने का समय अब बस आने वाला ही। जब किसी व्यक्ति को किसी से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले हजार बार सोचता है। धोखा देने के लिए अपने जज्बातों को पिघलाना पड़ता है। यह काम तो सिर्फ खुद कर्ज व्यक्ति ही कर सकता है। वह दोस्त जरूर धोखा देता है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मित्रता करता है। किसी से मोहब्बत जरा सोच समझ कर करना, क्योंकि मोहब्बत को धोखेबाजी में तब्दील होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। यहाँ धोखेबाज लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं, वहीं दूसरी तरफ भरोसा करने वाले लोग अपने आप को गुनहगार समझते हैं। अक्ल बादाम खाने से कम और धोखा खाने से ज़्यादा आती है। अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने माता पिता को धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि उनके सिवा आपका और कोई भी व्यक्ति भला नहीं चाहता। अगर इसी तरह हर जगह धोखेबाजी होती रहेगी तो हर इंसान इंसानियत के कद करना हमेशा के लिए भूल जाएगा। किसी को धोखा देकर उसका दिल दुखाने से पहले यह जरूर सोच लेना कि भगवान सबके साथ न्याय जरूर करता है। वक्त आने पर वह शख्स आपको धोखा जरूर देगा जो आपकी हर बात पर हामी भरता रहता है। अच्छे रिश्तों में सिर्फ सच बोले जाते हैं, कोई धोखेबाजी नहीं होती है। आज के जमाने में गैर लोग कम अपने ज्यादा धोखे देते हैं। धोखा देना उस शख्स को ज्यादा आता है जो लोगों की भावनाओं को समझना नहीं चाहता। बिना धोखा खाए इंसान सही गलत शख्स की पहचान नहीं कर पाता है। जो लोग आपके दिल के सबसे करीब हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में गलती से भी धोखा देने की भूल मत करना। मतलब कि यारी का अंत धोखा देकर ही होता है। इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इश्क में धोखा नहीं खाया है। धोखा देना यानी सामने वाले का विश्वास तोड़ना और उसे ठेस पहुंचाना होता है। धोखा अक्सर वही लोग देकर जाते हैं जिन्हें हम अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं। आजकल के लोग मतलब के रिश्ते ज्यादा बनाते हैं और मतलब पूरा होते ही धोखा देकर चले जाते हैं। किसी भी इंसान पर अब भरोसा करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि कौन इंसान कब धोखा दे जाए पता नहीं। मैंने उससे बे इंतहा मोहब्बत की थी और बदले में उसने मुझे धोखा देने की सोची थी। जिंदगी में धोखे तो बहुत मिले पर इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन जब उसने धोखा दिया तो दिल को बहुत दर्द हुआ। जिंदगी में उदासी छा जाती है जब कोई अपना करीबी बड़ी शिद्दत के साथ धोखा देता है। किसे बताएं अपने दिल का हाल, यहाँ तो हर इंसान फरेबी और धोखेबाज ही है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। मतलब निकल जाने के बाद सौगात में जो मिल जाता है उसे धोखा कहते हैं। हकीकत क्या है आंखों के सामने नजर आता है। धोखा खाने से तजुर्बा अक्सर बढ़ जाता है। नसीहत वो सच्ची बातें हैं जिन्हें हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि देने के लिए कुछ नहीं होता है तो धोखा ही दे देते हैं।